गाइस एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। अमेज़न प्राइम डे सेल जो है वो 20 जुलाई और 21 जुलाई को है, यानी कि 20 एंड 21 जुलाई इज़ द प्राइम डे सेल। तो इसमें आपको बहुत अमेजिंग ऑफर्स मिलेंगे। मैं आपको पहले ऑफर्स बता देती हूँ। आपको मिलेगा 50-80% डिस्काउंट ऑन 1500 प्लस टॉप ब्रांड्स एंड सेम डे डिलीवरी ऑन ओवर 4 लाख प्लस स्टाइल्स। इतना सब मिलने वाला है। मैंने भी कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, आपके साथ फटाफट शेयर करती हूँ। मतलब आप समझ लो 20 और 21 तारीख यानी कि 20 जुलाई एंड 21 जुलाई को है अमेज़न प्राइम डे सेल चलने वाली है। 20 जुलाई को और 21 जुलाई को आपको कुछ भी बाय करना हो आपको हैवी डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। 50-80% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, और तो क्या चाहिए, वो भी 1500 प्लस टॉप ब्रांड्स, और साथ में आपको सेम डे डिलीवरी मिलेगी 4 लाख प्लस स्टाइल्स पे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया। बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें मंगवाई हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैंने ना कुछ कलरफुल काजल मंगवाए हैं। मतलब मुझे ना आजकल कलरफुल काजल लगाना बहुत अच्छा लगता है। देखो अभी भी मैंने राइट नाउ एक ब्राउन कलर का काजल लगाया हुआ है। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट ब्रांड से है, ही फेवरेट ब्रांड है जो कि है स्विस ब्यूटी। स्विस ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं गाइस, तो मुझे बहुत पसंद है। तो इनका ये ब्राउन कलर का मैंने काजल मंगवाया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत हाईली पिगमेंटेड है। और मैं लिंक छोड़ दूंगी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको शो कर रही हूँ, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। और माय हॉल स्टोर लिंक एक सिंगल लिंक रहेगा, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको मेरी सारी फेवरेट चीज़ें देखने मिल जाएंगी। तो ये ब्राउन कलर का काजल है जिसको मैं एज अ काजल और एज अ आईलाइनर तक इस्तेमाल करती हूँ। हाईली पिगमेंटेड, वाओ। और इस काजल का नाम है स्विस ब्यूटी इंटेंस जेल काजल। तो जेल काजल है और इसको मैं एज अ लाइनर भी अप्लाई करती हूँ। ये देखिए, राइट नाउ मैंने यही अप्लाई किया हुआ है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसका पिगमेंटेशन क्या है देखिए, ब्राउन कलर का। आप मेरे रील वगैरह अगर चेकआउट करते हो तो मैं रील में भी आजकल यही वाला काजल और यही वाले काजल से आईलाइनर लगाती हूँ। कई बार मुझे लिक्विड आईलाइनर लगाना बोरिंग लगने लग जाता है, तब मैं थोड़ा सा चेंज करने के लिए ऐसे यूज करती हूँ। और ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है और बहुत अच्छा लग रहा है लगने के बाद। देखो कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। आपको भी अगर अच्छा लग रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा। इसके बाद में मैंने एक काजल मंगवाया है जो मेरा सेकेंड परचेज है, ये भी ब्राउन कलर का ही है। आप मेरे रील देखोगे ना तो मैं ये दो ही यूज करती हूँ, स्विस ब्यूटी एंड लैक्मे का। लैक्मे ब्रांड का आइकॉनिक काजल ब्राउन कलर में मंगवाया मैंने, क्लासिक ब्राउन, और दूसरा एक और ग्रीन कलर में मंगवाया, और वो भी मैं यूज करती हूँ। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो जाके कर लो, वहां पे रील आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं वही लगाती हूँ। सो ये भी बहुत अच्छा है, इसकी भी पिगमेंटेशन काफी हाई है। अब लैक्मे के बारे में तो क्या ही बोलूं, जो भी होगा बेस्ट होगा। थोड़ा सा कलर में हल्का सा डिफरेंस है बस, देखिए ये हल्का सा लाइट ब्राउन है, ये डार्क ब्राउन है जो मैंने लगा रखा है स्विस ब्यूटी वाला। ये डार्क ब्राउन है थोड़ा सा और ये नीचे वाला लाइट ब्राउन है, लेकिन दोनों ही शेड अमेजिंग है। और ये लैक्मे का है तो फिर बात खत्म हो जाती है। बहुत अच्छा ब्रांड है और बहुत अच्छी क्वालिटी का ये काजल है। आप इसे एज अ लाइनर एज अ काजल दोनों तरह से यूज कर सकते हो, जैसे मैं करती हूँ आजकल। मैं तो आजकल भाई बहुत टाइम से मैंने लिक्विड लाइनर्स लगाने बंद किए हुए हैं, मैं काजल को ही कलरफुल काजल को ही एज अ लाइनर लगाती हूँ, आई लाइनर। इसके बाद में मैंने कुछ ग्लिटर टाइप ऑफ मंगवाए हैं। ये मैंने नई चीज़ देखी, इसका नाम पता है क्या है, स्विस ब्यूटी आई स्पार्कल स्केच लाइनर। स्केच लाइनर होते हैं ना, ये वो है, स्विस ब्यूटी का है और नई चीज लॉन्च हुई थी, मुझे लगा चलो ट्राई करते हैं। ऐसे स्केच जैसा है और बिल्कुल स्केच जैसे ही अप्लाई होता है। वाओ, एंड दिस इज समथिंग ग्लिटरी या शाइनी है, देखिए शाइन मार रहा है। आपको नहीं पता चल रहा है, यहां पे दिखाती हूँ आपको, ये देखो शाइन कर रहा है ये लगने के बाद। ये दोनों मैट है बट ये शाइन कर रहा है, बहुत ही ब्यूटिफुल है। You can go for it, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको लगाओगे ना तो ये थोड़ा सा शाइनी लगेगा, देखो ये मैट है और ये शाइन हो गया है। चलो यहाँ पे लगा लेते हैं, वाओ। अगर आपने इसको पार्टी वगैरह में लगाया तो ये क्या ही लगेगा, दिस इज वेरी प्रिटी। ये इसमें बहुत सारे कलर भी आपको मिल जाएंगे, इनफैक्ट जितने भी काजल मैंने अभी आपको शो करे हैं सभी में कलर आपको मिल जाएंगे। तो ये तो लाइनर ही है, ये काजल नहीं है, इसके ऊपर लिखा हुआ ही है आई स्पार्कल स्केच लाइनर, बहुत अच्छा है, गो फॉर इट। ये शाइन कर रहा है और बाकी का मैट है,
इसके बाद में मैंने मंगवाया ये लक्मे का आइकॉनिक काजल फॉरेस्ट ग्रीन कलर में, ये भी मेरा सेकंड परचेज है। ये भी मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील में अप्लाई किया और लोगों को बहुत पसंद भी आया है। चलो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, ग्रीन कलर है ठीक है, और ये थोड़ा सा ग्लिटर टाइप ग्रीन है सबसे ऊपर वाला, है ना ग्रीन कलर। ये भी लगने के बाद एज अ आप काजल भी यूज़ कर सकते हो, एज अ आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हो, लगने के बाद बहुत अमेजिंग लगता है ये, सो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। स्विस ब्यूटी का आईब्रो डिफाइनर पेंसिल जो मुझे बहुत पसंद है, ब्राउन कलर में है और इससे मेरी आईब्रोज बहुत अच्छे से डिफाइन होती हैं। आईब्रो के कलर में प्रॉपर मैच हो जाता है गाइज, यू कैन गो फॉर इट, एंड काफ़ी अफोर्डेबल हैं स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स। और यहाँ आपको एक कॉम्ब मिल जाता है जिसकी मदद से आप आईब्रो को सेट कर सकते हो, सो ये बहुत अच्छी पेंसिल है, देखो बिल्कुल मैच हो गई ना आईब्रो में, ऐसे ब्लैक नहीं लग रहा है, ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगता है, सो गो फॉर दिस कलर। और ये बहुत अफोर्डेबल भी है, बहुत से लोगों को मेरी फेवरेट चीज़ें जो है वो पसंद आती हैं, इसलिए मैं सब शेयर कर रही हूँ जो भी चीज़ें मैं यूज़ करना पसंद करती हूँ। इसके बाद में कुछ ममार्क के प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने मंगवाए हैं, ये बारंबार मेरे घर में आते हैं क्योंकि मैं इनको बहुत यूज़ कर रही हूँ, और ममार्क के सीरम और इनके मॉइस्चराइजर्स मेरे फेवरेट हैं। तो ये ममार्क का बीटरूट हाइड्रोफुल मॉइस्चराइजर है, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी थर्ड बॉटल है, जब से मैंने इसको एक बार ममार्क वालों ने मुझे भेजा था प्रमोशन के लिए वीडियो बनाने के लिए, उसके बाद से मेरा फेवरेट हो गया है। और ये ममार्क का राइस वाटर ड्यूई सनस्क्रीन है, ये सनस्क्रीन बहुत अच्छा है और राइस वाटर है इसके अंदर, सो ये बहुत अच्छा है, आप यूज़ करके देखो, मैं नीचे लिंक छोड़ूंगी ठीक है। इसके बाद ममार्क की दो चीज़ें और भी हैं, ये मेरा फेस वॉश फेवरेट वाला, ये है ममार्क बाय बाय ब्लामिशेस फेस वॉश, मलबरी विटामिन सी इसके अंदर, डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन सबका इलाज है, अच्छा है, इसका मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगी। और ये सीरम मैंने आपको कम से कम मैंने तो 10 से 15 बार बताया है हर वीडियो में, और मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती चली आ रही हूँ, इनके सीरम्स बेस्ट है ममार्क के। ये है ममार्क स्किन एलिमिनेट फेस सीरम, विटामिन सी वाला है, अगर किसी को दाग धब्बे हैं, स्कार्स हैं, ब्लैमिशेज हैं, पिम्पल मार्क्स हैं, कुछ भी है ना, ऑल इन वन सोल्यूशन है, तो इसको भी आप ले सकते हो। इसके बाद मैंने दो मॉइस्चराइजर मंगवाए हैं, पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल, एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है, आप इसे फेस पे लगाओ, नेक पे लगाओ, बॉडी पे लगाओ, समर और मॉनसून में चिपचिप बहुत हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ चिपचिपी क्रीम लगाओ। ये लाइट वेट जेल है पॉन्ड्स का जो बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने पहले बड़ा मंगवाया था, इस बार मुझे बड़ा नहीं मिला था ऑनलाइन तो मैंने छोटा पैक मंगवा लिया, इसका जो टेक्सचर है वो बहुत बढ़िया है, ये देखिए इसका टेक्सचर, सॉरी यहाँ तो ये लगा हुआ है, दूसरे हाथ पे दिखाती हूँ मैं आपको, इसका टेक्सचर बहुत ही लाइट है, लाइट वेट है, आप इसे एज अ बॉडी लोशन यूज़ करो, एज अ फेस मॉइस्चराइजर यूज़ करो, किसी भी तरह यूज़ करो, चिपचिप नहीं करेगा, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, लाइट वेटेड जेल है, फटाफट एब्जॉर्ब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कुछ अप्लाई करा है, सूख जाएगा पूरा, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये मेरे घर में अक्सर आया करता है, तो दो बॉटल मैंने मंगवाई है। इसके बाद में मैंने मंगवाया है एक ये ब्रश, ये मेरा सेकंड परचेज है, शुगर का एक और फाउंडेशन ब्रश मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ जिससे मैं ब्लश वगैरह भी अप्लाई करती हूँ, ये मेरा सेकंड परचेज है, शुगर ब्रांड का है और इसके सभी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। चलो इसको भी मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ, ऐसे पैक हो क्या है, शुगर की तो बात ही कुछ और है, तो ये देखिए बहुत अच्छे से आपका फाउंडेशन वगैरह लग जाता है फेस पे, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। और मैंने जब से शुगर का फाउंडेशन ब्रश इस्तेमाल करना शुरू किया है, मुझे 2 साल हो गए, तब से मुझे शुगर के अलावा किसी के मैंने ये नहीं मंगवाया मेकअप ब्रशेस, सो दिस इज़ ग्रेट परचेज एंड मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी। आप लोग अगर मेकअप लवर हो, फाउंडेशन अप्लाई करते हो, तो मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा ये वाला ब्रश अच्छा लगता है, गो फॉर इट, मैं नीचे लिंक छोड़ूंगी ठीक है। इसके बाद में वाओ का एलोवेरा जेल, ये मेरा फेवरेट है, इसको मैंने अभी ओपन नहीं किया है क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी एक ओपन है, नया मंगवा लिया, न्यू वन है, एलोवेरा का 99% एलोवेरा जेल। देखिए एलोवेरा जेल बालों वालों के सबके लिए बहुत अच्छा होता है, यू जस्ट ट्राई दिस, मुझे याद करोगे आप ठीक है, सो ये ज़रूर मंगवा के रखो, स्किन केयर हो या हेयर केयर, एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। इसके बाद में लॉरियल का ये फेस वॉश मैंने मंगवाया है, पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ, लॉरियल का इनोवेशन ग्लाइकोलिक ब्राइट ग्लोइंग डेली क्लेंजर फोम,
इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए. सो दिस टाइम आई एम गोना ट्राई दिस वन. ओके, इसके बाद में मैंने दो बीबी क्रीम, मेरी फेवरेट एक पॉन्ड्स की बीबी क्रीम है और एक गार्नियर की बीबी क्रीम है, दोनों मंगवाई हुई हैं. ये मेरी फेवरेट हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये जैसे ही खत्म होती है मैं फिर से मंगवा लेती हूँ. अभी राइट नाउ भी मैंने वही अप्लाई की हुई है. ये मेरा फेवरेट लिप कलर है जो कि मैंने अभी भी अप्लाई किया हुआ है. ये स्विस ब्यूटी का है और इसका नाम है विविड मजेंटा. व्हाट अ कलर, क्या कलर है यार. और लगने के बाद तुरंत ड्राई हो जाता है, आप जब तक इसको निकालोगे नहीं ये निकलेगा नहीं आपके लिप्स पे से. इसके बाद में एक ये मेरा हेयर कलर फेवरेट वाला बी ब्लंट का चॉकलेट ब्राउन कलर और दूसरा है लाइट गोल्डन ब्राउन कलर, हनी लाइट गोल्डन ब्राउन. तो ये दो कलर्स मेरे बी ब्लंट से बहुत फेवरेट हैं, जब भी ख़त्म होते हैं मैं तुरंत मंगवाती हूँ. इसके बाद में मैंने मंगवाया है एक ये है स्विस ब्यूटी का नेचुरल मेकअप फिक्सर. छोटा सा पैक मंगवाया है, मतलब मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, तो ये छोटा पैक है इसका. जस्ट अ मोमेंट, ये है नेचुरल मेकअप फिक्सर. मेकअप करने के बाद आपको क्या करना है आपको पता है ना, इट्स सिंपल टू यूज. और आपका मेकअप फिक्स हो जाएगा, साथ में ग्लोई भी हो जाएगा. दिख रहे हो आप, ग्लोई दिख रहा है मेकअप. मेकअप तो फिक्स होगा ही लेकिन वो ग्लोई भी थोड़ा सा लगेगा ये लगाने के बाद. ये बहुत अच्छा है, स्विस ब्यूटी का है और स्विस ब्यूटी की चीज़ें सभी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं. मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक, तो ये वाला शेड में कितने सारे मैंने ख़त्म कर दिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है. इसके बाद में है मेरी एक लिपस्टिक जो कि ममा अर्थ क्रीमी मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक है और ये शेड नंबर है 05 ट्यूलिप मजेंटा. इसका जो बॉटल है वो कुछ ऐसे है. ममा अर्थ ब्रांड इज माय फेवरेट ब्रांड, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ममा अर्थ ब्रांड. ऐसे पैकेजिंग में है और इसको मैंने लास्ट मंथ ममा अर्थ वालों के लिए भी प्रमोट किया था. मुझे पिंक कलर्स बहुत पसंद है गाइज, ऑलमोस्ट सेम कलर है, बस ये ग्लॉसी है ये मैट है और ये लगने के बाद पार्टीज़ वगैरह में बहुत अच्छा लगता है. इसमें बहुत सारी रेंज है कलर्स की. ये इसका जो एग्जैक्ट नाम है वो है ममा अर्थ क्रीमी मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक विद मुरमुरु बटर एंड विटामिन ई. इसका भी मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगी, आप चाहो तो दूसरे कलर भी इसके ट्राई कर सकते हो. इसके बाद एक लास्ट चीज़ मंगवाई है मैंने हस्बैंड के लिए, बेलाविटा. बेलाविटा के दो मेन परफ्यूम मंगवाए हैं. अरे आप इसका प्राइस देखोगे, इतना अफोर्डेबल आपको दो परफ्यूम मिल रहे हैं, टू नॉट वन टू, वो भी इतने कम प्राइस में. और अभी तो हैवी डिस्काउंट चल रहे होंगे, तो नीचे वाले जो क्लिक लिंक्स है ना डिस्क्रिप्शन में वो ज़रूर चेकआउट करना इस टाइम पे, क्योंकि इतनी हैवी सेल चल रही है तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा. और इनके फ्रेगरेंस बहुत अच्छे हैं, विवेक इनको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं. अगर आप भी ढूंढ रहे हो अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छे परफ्यूम्स अपने पतियों के लिए, गो फॉर इट बेलाविटा. इसका भी मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगी. सो गाइज, अभी प्राइम डे सेल चल रही है 20 जुलाई एंड 21 जुलाई को, बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिए. जो भी बाय करने का मन हो, करेक्ट टाइम टू बाय. सो गाइज, आज का वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.